इवन इस वीडियो में हम बात करें आईसीएमआई के बच्चों के लिए, सीएमए के बच्चों के लिए। तो जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे से मैंने कल पूछा था कि बच्चों क्या आपको एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। काफ़ी सारे बच्चों ने बोला जी हाँ हमें वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको कैसे भरना है। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, पर इस बार फिर से वीडियो बनाने का कारण है कि बहुत सारे बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे भरना है, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था। बाकी बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर हमारा पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हमको एग्ज़ाम फॉर्म एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो सही नहीं दिखाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, एंड कार्ड पे भी आएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आइए एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है पूरा डिटेल में नीट एंड क्लीन तरीके से बात करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, सुनते चलिएगा वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तुरंत वीडियो बनाकर खत्म करने की पूरा कोशिश करूंगा। स्टूडेंट होम पेज ओपन कर लेंगे। स्टूडेंट होम पेज ओपन करने के बाद एग्जामिनेशन पर क्लिक करते हैं। एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म दिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ 27 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर इंटरमीडिएट फाइनल फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म। आपको लास्ट डेट दिया गया है 27 अप्रैल, आपको उससे पहले एग्जाम फॉर्म भर लेना है, नहीं तो उसके बाद अगर भरोगे तो 600 से 700 रुपये आपको लेट फी लगेगा और उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। तो 600-700 रुपये क्यों गंवाना दोस्त, अपना एग्जाम फॉर्म भर लो। आइए यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट फाइनल फाउंडेशन जिसके भी हो आप भर लेना, क्योंकि मेरा फाइनल है तो मैं फाइनल पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या फीस लगेगा क्या नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या दो ग्रुप देने वाले, अगर सिंगल ग्रुप देगे तो 1200, दोनों ग्रुप मिला करके देगे तो 2400। फाइनल का 3 और 4 में दोनों में एक को दोगे तो 1400, दोनों मिला के दोगे तो 2800। आइए यहाँ पर आपको अपना देख लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन सारा फिलअप करने के बाद हम लोग को नीचे आ करके एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अब देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया यहाँ पर हम लोग के सामने फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ गया। पहले हम लोग को स्टूडेंट डिटेल डालना है, उसके लिए स्टूडेंट डिटेल के लिए आपके सामने देखिएगा अपना पहला जितना भी स्टार मार्क दिया हुआ है, उसमें स्टार मार्क में आप चाहो तो खुद से लिख सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर दे देने के बाद आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक हेयर करोगे तो सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट मोड में क्लिक करिएगा। पेमेंट मोड में अपना आपको फोटो एक डाल देना है, फोटो 40 kbps के अंदर होना चाहिए। 40 kbps अंदर होने के बाद आपको पेमेंट किससे करना है वो देख लेना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उस पर आपको चूज़ करना होगा। डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा क्रेडिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 12 रुपये या 15 रुपये का एक चार्ज कटता है जो बैंक चार्ज होता है, उसको कटने के बाद जैसे ही आप अपना पेमेंट करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो चुका है। फिर आप एक बार फिर से बैक करके रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, सारा कुछ डिटेल में लिखा होगा। क्लिक करिएगा आपके सामने ऐसे आपका फोन फोटो सारा कुछ लिखा हुआ, हर एक चीज़ डिटेल में लिखा होगा। एक बार फॉर्म फिलअप कर देते हो उसके बाद अगर कुछ गलती होती है तो आप उसको चेंज फिर नहीं कर पाओगे जब तक करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता, और करेक्शन विंडो में हर कुछ नहीं मिलता, करेक्शन विंडो में 3 चीज़ ही मिलता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ भरोगे डिटेल देख करके अच्छे से भरना, कोई चीज़ प्रॉब्लम दिक्कत के साथ मत भरना। और एक बार पेमेंट हो जाएगा आपको सक्सेसफुली जब एग्ज़ाम फॉर्म मिल जाएगा, उसके 15 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड भी आ जाता है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे देखना है, क्या क्या करना है। ऐसी अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करेगा, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमेशा कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट चैनल पर नए तो यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर करेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।